गुड मॉर्निंग क्लास 9 चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4th पेज नंबर 195 प्लीज सी योर बुक वी आर रीडिंग द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई एग्जाम में आ भी चुका है ये और एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है ये जो आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 11 सेंटीमीटर है मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड का सम है अगर तीनों साइड का मेजरमेंट करें उनको प्लस करें तो 11 सेंटीमीटर आता है मतलब एक प्रकार से ये क्या है पेरीमीटर पेरीमीटर मीन्स सम द सम सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर आ गया ना समझ में आपको तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर पेरीमीटर एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर मतलब उसकी तीनों साइड का सम 11 सेंटीमीटर है यहां पर आपको ऐसा नहीं दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऐसा नहीं दिया है उसने कह दिया कि कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर मतलब तीनों साइड का सम 11 सेंटीमीटर और आगे कहा है एंड बेस एंगल्स आर द बेस ऑफ 30 डिग्री एंड 90 डिग्री और जो बेस लाइन पर जो एंगल बने हुए वो 30 डिग्री और 90 डिग्री के हैं तो आपको ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आल्सो और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है तो स्टार्ट करें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए सामने से ध्यान हटाकर पूरा फोकस आपका बोर्ड पर रहना चाहिए तो जैसा कि आप जानते हैं आपको 11 सेंटीमीटर दिया गया है आपको जो इसका पेरीमीटर है तो वी विल ड्रा अ लाइन सेगमेंट 11 सेंटीमीटर है ना और हमको एक्स वाई जेड ट्रायंगल का नेम देना है हमने एक 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करना है और उसको हम नेम देंगे ए बी ड्रा ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं राइट अ लाइन सेगमेंट ऑफ 11 सेंटीमीटर सॉरी ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 11 सेंटीमीटर अभी मैं ए भी बोल रहा हूँ एक्स वाई जेड एक्स वाई और जेड ट्राइंगल का नेम अलग आएगा है ना बेटा मुझे याद है इसीलिए तो मैंने बोला आपको और मैं जो मेजरमेंट है उसका डबल ले रहा हूँ तो मैं 11 को क्या 22 तो 7 सेंटीमीटर और मैं आगे राइट खींचूंगा तब जाके मैं मतलब जो है ये 11 मान लूंगा अप्रोक्सीमेट मतलब जो मेजरमेंट है उससे मैं ट्वाइस ले रहा ताकि आपको डायग्राम ये मैंने ए बी और लिखूंगा मेजरमेंट में 11 सेंटीमीटर इज इट क्लियर अब एंगल आपको दिया है गिवन में लिखना आपको गिवन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंगल ये पूरा लिखा है ना गिवन इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड और जो भी दिया गया मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा तो अभी ऊपर तक जाएगा ट्राइंगल चलिए अब सबसे पहले हमको 30 डिग्री एंगल दिया है तो ए पर हम 30 डिग्री बना रहे हैं बोर्ड पर देखें पेन नीचे रखें 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करना सबको आता है ड्रा आर्क ऑफ एनी रेडियस इट इज 60 डिग्री वी बाइसेक्ट इट and that is measure of this angle is 30 degree got it we have draw a line segment the measure of this angle is 30 degree very clear everyone ये एक्सटेंड इसलिए क्या मैंने क्योंकि यहां पर मैं बी पर 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा ना तो सीधी लाइन आना चाहिए नाउ अब हम यहां पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे ये
You know how we will draw the 90 degree angle? Yes sir. आगे आप हम ये और इसको extend करेंगे तो approximate यहाँ पर. अच्छा इसी से कर लो ना. 1.3 ठीक. और इनका bisect करेंगे. आ रहा है समझ में पूरी क्लास को? Yes sir. यहाँ तक कोई doubt है किसी को? No sir. और कभी भी याद रखिएगा मतलब line आप extend कर सकते हैं ऐसा नहीं कि fix लाकर छोड़े. This is 90 degree angle and this is 90 degree. अब हम क्या करेंगे? We bisect the both angle. दोनों angle को हम क्या करेंगे? Bisect करेंगे. देखिए अब आप 90 का bisect करेंगे. अब इनको name दे देते हैं. 30 को name दे दिया आपने P Q. इनको दिया हमने R S. ये S इसको दिया है ना. अब PQ का bisect कर रहे हैं अपन कि ये एंगल 30 डिग्री का है इसलिए रेडियस ले लें. P and Q से रिस्पेक्टिवली हमने R कट किया. अगर आप बेटा समझ में yes. अब इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे bisect कर. वो जो एंगल थे वो तो परफेक्ट हमने ड्रॉ कर दी. अब इसको हम क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से इमेज. यस बोलो यहां तक क्लियर है एवरीवन? यस सर. गॉट इट. अब हम जिस तरह हमने 30 का बाइसेक्ट किया वैसा ही हम 90 डिग्री का भी बाइसेक्ट करेंगे. कोई भी रेडियस का हमने आर लिया आर और एस के रिस्पेक्टिवली हम आर कट करेंगे. Is it clear? आ गया समझ में? Yes sir. ये 45 का होगा या 50 डिग्री साइड 45 डिग्री. और we have to join it. और यहाँ पर ये हमको intersecting point चाहिए. Their bisector intersected at X. What is the name of this point is? X. X. अब हम क्या करेंगे? ये जो दोनों bisector थे ना इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे. क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना आता है. जो लाइन सेगमेंट होती है उसका आधे से ज्यादा रेडियस लेकर हम दोनों ओर कट करते हैं. अब आपके पास लाइन सेगमेंट है BX तो हम BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ले रहे हैं. किसका ले रहे हैं? AX. और उसके बाद AX का लेंगे. बस ये लास्ट प्रोसेस रहेगी हमारी. इतना समझ में आया? पहले एंगल का बाइसेक्ट किया अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे वर्टेक्स तक का बाइसेक्ट कर दिया. क्लियर? देन आधे से ज्यादा रेडियस लेकर हमने ये आर्क यहाँ कट किया और काट दिया. अब इतने सारे आर्क है आपको प्रोसेस काम करना चाहिए. रखना नहीं है इसमें वो बेटे एंगल का बाइसेक्ट एंड में उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर. ठीक बस यही मेन प्रोसेस थी और कुछ नहीं. और इसको भी जॉइन कर देते हैं. सी मैं ये देख रहा हूँ डॉटेड लाइन बनाऊ या ये पॉइंट है ना बेटा ये और ये और मैं इसको लाइन से ड्रॉ कर देता. ठीक है मतलब प्रोसेस में क्या देखा आपने कि हमने एंगल का बाइसेक्ट किया और फिर साइड. अब ये है आपका इस पॉइंट को हमने नाम देंगे जेड. क्या नाम देंगे? जेड. ठीक है. अच्छा एंगल वाई जो है 30 डिग्री था ना? बिल्कुल. और जेड 90 डिग्री है ना? यस. तो देखिए ये 90 डिग्री तो आपका बन गया जेड एक्स. ये आपका 90 डिग्री है. एंगल जेड आ गया 90 डिग्री. अब इसका बाइसेक्ट करेंगे 30 डिग्री पर आएगा और एक्स वाई जेड 11 सेंटीमीटर है. अब अपन एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं. आधा से ज्यादा रेडियस एक आर कर में एबो एंड ए 11 वन एबो एंड वन विद द सेम प्रोसेस बाय एंगल बाय एक्स है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट के एक्स. You understand the process better? Yes, sir. Now from X. Very clear? And join them. इनके intersecting name दे सकते हैं आपके sketch of construction लिखेंगे ना? ये spine दिए था. इन दोनों के name भी आते हैं.
ये मेजरमेंट अलग अलग दूंगा ना, नहीं तो बहुत ज्यादा कंजस्ट हो जाएगा। ये 11 सेंटीमीटर जो है ना, मैं यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब पूरी लाइन सेगमेंट है 11 सेंटीमीटर यहाँ से आना, तो बस समझ। अब ये पाइप जो आया ना, इसको नाम दे देंगे हम भाई एंड जॉइंट एक्स वाई। तो ये हमारा रूट ट्रायंगल बना है। अब आप देख लीजिए एक्स वाई एंड जेड, ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री यहां पर। यू अंडरस्टैंड, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड एक्स वाई जेड के लाइन सेगमेंट्स आप मेजर करेंगे, उनका सम करेंगे तो वो 11 सेंटीमीटर आएगा। तो प्रोसेस क्या की, सबसे पहले हमने एडी लाइन सेगमेंट एडी 11 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, उसके बाद एंगल ए पर 30 डिग्री और एंगल बी पर 90 डिग्री ड्रॉ किया, और फिर एंगल ए और डी का बाइसेक्ट किया। जो दोनों के बाइसेक्टर मिले उसको हमने एक्स नाम दिया। फिर कुछ नहीं करना है, एक्स और बी एक्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए, और इनका एक्स जैसा हमने सबसे पहले किया बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो जो ए बी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हमने जेड नाम दिया, और एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, AB को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता उसको y नेम दिया, और फिर xy और xz को जॉइन किया, देन xyz इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। एनी डाउट? वेरी क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने फिर बोल दिया आपको एक साथ। अब हम लास्ट क्वेश्चन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन जरूर लिखेंगे आप, जैसा आप इसमें लिख सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये पेरीमीटर है आपका, समझ में आया? ये क्या है, ट्रायंगल का पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन में था आपका क्वेश्चन दिस टाइम। ऐसा ही इधर जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो हमको लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल राइट ट्रायंगल whose base is 12 cm and sum of its hypotenuse and other side is 18 cm. Base हमको कितना draw करना है? 12 cm. और hypotenuse और एक side का sum कितना है? 18 cm. Got it? तो अब start करें? चलिए start करते हैं। We have to draw the base is 12 cm. So, 12 का मैं आपके सामने जो है डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 24 अब हम ट्रायंगल का नियम क्या है अपन एबीसी का इसको नाम दिया हमने बेस को बीसी, ओके 12 सेंटीमीटर। अब हम एंगल बी पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम कोई भी रेडियस का आर्क कट करेंगे सेमी सर्कल, और यहां से वी ड्रॉ 1 and bisect it. अब तो 90 डिग्री आपको बहुत अच्छे से समझना आ गया होगा ना, और हम ये BD लाइन सेगमेंट जो है वो कितने सेंटीमीटर की ड्रा करेंगे 18 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर की ड्रा करेंगे 18 सेंटीमीटर समझ में आया? अब मैं ऊपर का रफ करूंगा क्योंकि मुझे 18 सेंटीमीटर ऊपर तक जाना है, ठीक है। ये सब रफ करना होगा, बोर्ड पर देखें प्लीज। और फिर यहां से बी से 18 सेंटीमीटर हमने एक आर्क कट किया, इसको नाम दिया हमने डी। ये 18 सेंटीमीटर रेशो बता रहा हूं मैं भी आपको कि इस शेप में बनेगा, और
हमने जॉइंट डीसी। अब इस सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना, आधे से ज्यादा रेडियस लेना, दोनों आर्क कट करना है, पहले सी से और फिर डी से, एंड जॉइन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एप्रोक्सीमेटली यहां का दूरी मान। ठीक, तो ये पॉइंट हमने मान दे दिया ए, एंड जॉइन ए सी से ए सी, देन ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और आप देखेंगे कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वन साइड ऑफ हाइपोटेनस के साम 18 सेंटीमीटर बन गया। यू शुड ड्रॉ द ट्रायंगल एंड राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप इसका प्रीवियसली क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है ना। ठीक, तब आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा।